Hello students, and welcome to this class. Firstly, I really want to thank you for your patience for allowing me some time to start this batch. आप सबको ये पता होगा, you must be knowing के ये batch delay इसलिए हुआ because हमने सबसे पहले CA foundation का mathematics का batch start किया. तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स जो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हमारी कमिटमेंट ये थी कि बिफोर 31 मार्च हम उनका मैथमेटिक्स पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे. तो उस कमिटमेंट को मीट करने के लिए हम फर्दर क्लासेस रिकॉर्ड नहीं कर पाए. तो अभी सीए फाउंडेशन का मैथमेटिक्स बैच कंप्लीट हो गया है. तो अभी हम आज से जो क्लासेस रिकॉर्ड करेंगे वो जेके एसएसबी का जो एफएए है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, उसका जो सिलेबस है उसको कवर करने के लिए आगे सारे बैच रिकॉर्ड करेंगे. तो अभी से जो भी क्लासेस होंगी वो जेकेएसएसबी के एफएए के लिए होंगी, मैथमेटिक्स के लिए. और इसका हम एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाएंगे अपने पास. तो आपको क्लासेस कहीं ढूंढनी नहीं है, आप उस प्लेलिस्ट से क्लासेस देख सकते हैं. मैंने ऑल्दो वहां पे कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं, लेकिन मैं जो भी पढ़ाऊंगा फ्रेश पढ़ाऊंगा. यानी जो आपको जो बैच पढ़ना है वो जस्ट ये क्लासेस पढ़नी है जो आज से शुरू होंगी और जिसका प्लेलिस्ट आज से बनेगा. ठीक है, तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लेके हम सीधे शुरू करते हैं. इंट्रोडक्शन मैंने अपना फर्स्ट क्लास में दे दिया था, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा तो उनके लिए थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बनाया है मैंने. जस्ट 2 मिनट लूंगा और सीधे हम टॉपिक की तरफ आएंगे विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. और प्लेलिस्ट सेपरेट बनेगा, आपने वही प्लेलिस्ट फॉलो करनी है. अगर कोई क्लासेस कॉमन होंगी तो मैं क्लास में बोलूंगा या मैं उसको उस प्लेलिस्ट में भी एड कर दूंगा. दैट मीन्स कि आपने प्लेलिस्ट के बाहर नहीं जाना. हम सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव्स भी करेंगे ताकि आपको एग्जामिनेशन सिनेरियो में क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेबिलिटी भी आ जाए. एक लास्ट बात जो शुरू करने से पहले ये करनी है कि हमारे क्लासेस में शॉर्टकट्स और टेक्निक्स पे कम फोकस रहेगा एंड मोस्टली विल फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स. हम मैथमेटिक्स को कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद अगर कहीं पे कोई शॉर्टकट काफी यूजेज में है तो वो शॉर्टकट आपके साथ डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन थ्रस्ट रहेगा वो कॉन्सेप्ट्स पे रहेगा, ना कि शॉर्टकट्स और ट्रिक्स पे. मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि जितने ज्यादा शॉर्टकट्स और ट्रिक्स होंगे उतना रिकॉल करना, रिमेम्बर करना और फिर कहाँ पे कौन सा यूज करना है वो सारा क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है. आपको पहले एग्जाम में आइडेंटिफाई करना है कि किस पैटर्न का क्वेश्चन है, इस पैटर्न का क्या सोल्यूशन था, और अगर वो आप सही से कर पाए तब आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. उससे बेटर अप्रोच है कि जो भी कॉन्सेप्ट है, 5-10 जितने भी पर चैप्टर कॉन्सेप्ट है, उनको समझे और उन कॉन्सेप्ट को एग्जामिनेशन में अप्लाई करे विद सफिशियंट प्रैक्टिस. तो आई थिंक दैट इज मच बेटर टेक्निक देन जस्ट फॉलोइंग द शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स. ठीक है, और जहां मुझे लगेगा कोई एसेंशियल वाइटल शॉर्टकट है जो बच्चे को पता होना चाहिए, जो बहुत टाइम और एफर्ट सेव करेगा, तो मैं ऑलरेडी बता दूंगा. ठीक है, बाकी हम एग्जामिनेशन सिनेरियो में भी क्वेश्चंस करेंगे और हम देखेंगे कि हम कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है, मेरा तरीका क्या रहेगा पढ़ाने का, मेरा तरीका ये रहेगा कि मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, कुछ एग्जाम्पल्स करवाऊंगा और आपको फिर ऑब्जेक्टिव्स करने के लिए दूंगा. आप वो ऑब्जेक्टिव्स पहले खुद अटेम्प्ट करेंगे बेस्ड अपॉन जो हमने पढ़ा है इस क्लास में. अगर वो आपसे हुए या नहीं हुए, नेक्स्ट क्लास में वो ऑब्जेक्टिव्स में डिस्कस करूंगा और वो सॉल्व करके बताऊंगा. ठीक है, तो मोडस ऑपरेंडी यही रहेगा कि मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ऑब्जेक्टिव्स अपलोड करूंगा, जस्ट वो ऑब्जेक्टिव्स आप अपने पास सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो आपने उस एफर्ट किया होना चाहिए. अगर आपसे सॉल्व हुए तो वेल एंड गुड, नहीं हुए तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है. नेक्स्ट क्लास में वो सारे ऑब्जेक्टिव्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो उसके 2 फायदे होंगे, एक तो आप पहले खुद प्रैक्टिस करेंगे, दूसरा अगर आपसे नहीं हुए तो आपको अपनी गलती आइडेंटिफाई उसमें हो जाएंगी. ठीक है, तो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैंने बनाया हुआ है, वो आपको दिखा के हम सीधे चलेंगे आज पहले अपने टॉपिक पे. आइए, मेरा नाम आपको पता ही होगा. ठीक है, बिकॉज सीए फाउंडेशन क्लास में शायद देखा होगा. मेरा नाम नईम शफी है, मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ. नवंबर 15 में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट की थी, उसके बाद मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मैंने ज्वाइन की और अभी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में ही एज असिस्टेंट मैनेजर अभी जॉब कर रहा हूँ. और टिल डेट में आईयूसी के साथ ही हूँ, जम्मू में मेरी पोस्टिंग है. ये सारी चीजें मैं आपको शायद फर्स्ट लेक्चर में बताई हुई, इंट्रोडक्शन नहीं देखा हुआ था. इसके अलावा मैंने बीकॉम, एमकॉम और कॉमर्स में अपना नेट भी क्वालिफाई किया है और अभी मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा. अब आप ये सोचेंगे कि मैथमेटिक्स और ये सब का रिलेशन क्या है, वो जब जब हम आगे बढ़ेंगे बैच में तो आपको शायद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बट मैं अभी आपको एफएए का मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेक्चर में शायद डिस्कस किया हुआ था जो मैंने फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड की.
ठीक है, तो इस सब पे टाइम वेस्ट ना करके हम सीधे अपने फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे। चैप्टर्स की सीक्वेंसिंग मैंने अपने हिसाब से देखी है, मैं आपको जो सिलेबस की सीक्वेंसिंग है उसके हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा जिस सीक्वेंस में मुझे लग रहा है कि अप्रोप्रिएट होगा। तो जो फर्स्ट चैप्टर हम आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे वो है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, और इसके साथ एक और पार्ट है वो है बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो बेसिकली जो ये चैप्टर है तीन पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस और बाइनोमियल थ्योरम। तो हमारे पास ये चैप्टर है, एक आपका चैप्टर है ये आपके सिलेबस में, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा कॉन्सेप्ट पे, हम सीधे क्वेश्चंस पे जंप नहीं करेंगे, बट ये आपकी जो फाउंडेशन ब्लॉक है उसको काफी स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, इस चैप्टर में हमारे पास क्या क्या कॉन्सेप्ट है देख लेते हैं। इसमें हमारे पास जो कॉन्सेप्ट पहला होगा वो होगा फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग, उसके बाद हमारे पास होगा परम्यूटेशंस, उसके बाद हमारे पास होगा कॉम्बिनेशंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होगा बाइनोमियल थ्योरम, मैं इसको शॉर्टकट में लिखता हूं बाइनोमियल थ्योरम। तो ये आपका एक पूरा चैप्टर इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे बिल्ड है। परम्यूटेशन के मामले में हमारे पास स्पेशल केसेस है और इसमें भी हमारे पास स्पेशल केसेस है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये आपका पूरा एक फ्रेमवर्क है कि ये हम इस चैप्टर में कवर ये चीजें करेंगे और इन सब पे ऑब्जेक्टिव्स भी करेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाए कॉन्सेप्ट्स पे। चलिए, फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग क्या चीज होती है? ठीक है, फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग, जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमारा चैप्टर रहता है बेसिकली, ये चैप्टर का पर्पस क्या रहता है? इस चैप्टर का पर्पस रहता है कि जो अरेंजमेंट्स और कॉम्बिनेशंस है किसी पर्टिकुलर ग्रुप की, किसी पर्टिकुलर टास्क की, वो हम कितने तरीकों से कर सकते हैं। तो ये जो ब्रांच है ये किस चीज पे फोकस करता है कि आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दी जाएगी, प्रॉब्लम सेट दिया जाएगा, तो आपको बोला जाएगा या तो आप इसके ग्रुप बनाओ या आप इसके अरेंजमेंट्स बनाओ। तो ये टर्म्स हम आगे डिस्कस करेंगे, या तो आप ग्रुप बनाओ या अरेंजमेंट्स बनाओ, और कितने तरीकों से, कितने नंबर ऑफ वे से हम उस अरेंजमेंट या ग्रुप को बना सकते हैं। तो ये पूरा चैप्टर इस पे कंसिस्ट कर रहा है। इस पूरे चैप्टर में आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे कि आपको एक प्रॉब्लम सेट दिया जाएगा और उस प्रॉब्लम सेट के अगेंस्ट आपको बोला जाएगा हम कितने तरीकों से इसके ग्रुप्स कर सकते हैं या कितने तरीकों से हम इसके अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन उस ग्रुप्स और अरेंजमेंट्स तक पहुंचने से पहले हमारा जो रास्ता जाता है वो जाता है फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग से। हमें फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग को समझना, बिकॉज यही हमारे पास बेसिस बनता है, यही हमारे पास ब्रिज बनता है कि हम उस अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन वाले पार्ट को समझ पाए। ठीक है, तो अभी आप पूरा फोकस यहाँ पे देंगे, ये आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आगे आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, तो फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग हमारे पास दो रूल्स है, उन दो रूल्स को समझेंगे। ठीक है, मैं वो रूल्स लिख रहा हूं, अगर आप नोटिंग कर रहे हैं नोटिंग कर सकते हैं तो नोटिंग कर सकते हैं। मैं दो रूल्स लिख रहा हूं, देयर आर टू फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग। एक को हम बोलते हैं फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एक को बोलते हैं फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन, एंड बोथ ऑफ देम फ्लो लॉजिकली। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसको एज अ रूल आपको याद रखना, अगर आप बिल्कुल लॉजिकली प्रॉब्लम को परसीव करेंगे तो दोनों रूल्स आपको नेचुरली खुद ही फील होंगे कि दे फ्लो फ्रॉम लॉजिक। क्या रूल है? रूल वन है, इफ अ जॉब या टास्क बोल सकते हैं,
can be done in m ways. ठीक है, and another job या task can be done in n ways. ठीक है, हमारे पास एक प्रॉब्लम सेट है कि एक काम, एक जॉब हम m वे से कर सकते हैं, m represents a number, ठीक है, और दूसरा जॉब हम कर सकते हैं n वे से, n also represents a number, ठीक है, then number of ways in which both jobs या both tasks can be done, ठीक है, number of ways in which both jobs or tasks can be done is equal to m into n ways. Both jobs से मेरा मतलब है both job A and job B, अगर मैं इसको बोलना चाहूँ, A and B, यहाँ पे and significant है, ठीक है, and दूसरा क्या बोल सकते हैं, then number of ways in which one of two jobs, दोनों में से एक, can be done is equal to m plus n ways. इसको मैं लिख सकता हूं A और B, ठीक है. अब ये जितना जितना टेक्निकल जो है उसको हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझेंगे और आप ये पाएंगे कि ये चीज तो बहुत ही एलिमेंट्री है. क्या मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक जॉब है जो मैं एम तरीकों से कर सकता हूँ, मेरे पास एक और जॉब है जो मैं एन तरीकों से कर सकता हूँ, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ वेज है जिन तरीकों से मैं दोनों काम कर सकता हूँ, ए एंड बी, यहाँ पे ये एंड सिग्निफिकेंट है, मैं दोनों काम करूंगा, अब जो दोनों काम करने हैं तो मेरे पास एम इंटू एन वेज होनी चाहिए उसको करने के लिए. और अगर मेरे पास ए और बी है, या ए करना है या बी करना है, बल्कि इसमें ए एंड बी दोनों काम करने हैं, तो मेरे पास एम प्लस एन वेज, मेरे पास एम प्लस एन वेज इस चीज को करने के होंगे. यहाँ पे इंटू है और यहाँ पे प्लस है, ये और है ये और एंड है. तो ये हो गया इसकी टेक्निकल डेफिनेशन. आपको नोट करना चाहिए, आपको नोट कर सकते हैं, आपके नोटिंग में ये चीज आ जाएगी. हम इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे, हम इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे. अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है कि ये पॉइंट ए है होम और ये पॉइंट बी है कॉलेज, ठीक है, ये पॉइंट ए है होम और ये पॉइंट बी है कॉलेज. अब मेरे पास जो टास्क है, टास्क एक है होम से कॉलेज आना, दूसरा टास्क है कॉलेज से होम आना, मेरे पास दो टास्क है, और पहले टास्क के लिए मेरे पास तीन ऑप्शंस है. सो नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन गो फ्रॉम होम टू कॉलेज आर थ्री, ठीक है, मेरे पास तीन वेज है ए से बी तक जाने के. सो पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक जाने के मेरे पास है तीन वेज. एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, सपोज मेरे पास है टैक्सी एक ऑप्शन, मेरे पास है ऑप्शन बाय फूट जाने का, और मेरे पास है ऑप्शन से ऑटो से जाने का. मेरे पास तीन ऑप्शन है फ्रॉम ए टू फ्रॉम बी जाने का, तो मैं यहां पे लिखा ए टू बी जाने के मेरे पास तीन तरीके, और वापसी में मेरे पास दो तरीके हैं. वापसी में मैं इधर बस से आ सकता हूँ, से इस रूट पे बस अवेलेबल है वापसी पे, मैं इधर बस से आ सकता हूँ और मैं आ सकता हूँ इसके बाद स्कूटर पे दोस्त के साथ. ये मेरे पास दो तरीके हैं वापस आने के, ठीक है. तो बी से ए मेरे पास दो वेज है. बहुत ही सिंपल मैं एग्जांपल आपके लिए इसको कर रहा हूं कि अगर मेरे पास पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के तीन तरीके हैं और पॉइंट बी से वापस आने के दो तरीके हैं, मैंने वो तरीके भी लिस्ट किया आपके सामने, तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, इन हाउ मेनी वेज, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन
can a person go to college and come back? How many ways can a person come to college and go back? अब question पे ध्यान देंगे, जो मैंने question put किया उस पर आप पूरा ध्यान देंगे। मैं question में क्या बोल रहा हूं, मैं and condition लगा रहा हूं, और condition लगा रहा हूं। मैं कंडीशन लगा रहा हूं एंड की, कि एक बंदे ने जाना है और आना है, ने दोनों काम करने हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हो गया ए एंड बी का, ठीक है, दोनों टास्क करने हैं। आप अगर वापस इस पे जाएंगे तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं इफ अ जॉब कैन बी डन इन एम वेज अनदर जॉब कैन बी डन इन एन वेज, यही बोल रहा हूं। नंबर ऑफ वेज इन विच बोथ जॉब्स कैन बी डन इज एम इनटू एन, ठीक है। अब उस चीज को मैं यहां पे एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, ये तो टेक्निकल हो गया, एग्जाम्पल से टेक्निकल पार्ट को छोड़ दीजिए। तो अगर हम इसको अब यहाँ पे आएंगे एग्जाम्पल के साइड, टेक्निकल पार्ट को छोड़ दिया, अब प्रॉब्लम फिर से सुनिए कि एक बंदे ने ए से बी तक जाना है, उसके पास तीन तरीके हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे कि वो इन तीनों में से कोई ऑप्शन यूज कर सकता है, और वापस में उसके पास दो ऑप्शन है जो वो यूज कर सकता है। अब मेरा क्वेश्चन है कितने तरीके है कि वो कॉलेज जा सकता है और वापस आ सकता है, यानी जाना और आना, ए एंड बी वाला क्वेश्चन होगा। तो अगर आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो आप बोलेंगे 3 × 2 = 6 वेज, आप बोलेंगे 6 तरीके हैं, तो आंसर आपका हो गया। लेकिन ये 6 वेज क्या मुझे शो कर रहा है, उस चीज से फोकस कीजिए। 6 वेज क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि फर्स्ट वे इज टैक्सी बस, पहला तरीका है कि जाएगा टैक्सी से आएगा बस से, दूसरा तरीका क्या है टैक्सी स्कूटर, तीसरा तरीका मेरे पास क्या है, मैं ये चाहता हूं कि आप इन 6 तरीकों को विजुअलाइज कर पाए, ये मेरा पॉइंट है, आप इन 6 तरीकों को विजुअलाइज कर पाए, फुट बस, फुट स्कूटर, नेक्स्ट वे इज ऑटो बस, और ऑटो स्कूटर, ठीक है। तो अब अगर विजुलाइज कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि 6 तरीके हैं कि मैं आ और जा सकता हूं, देयर आर 6 वेज इन व्हिच दिस टास्क कैन बी डन। और यही हमारा फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग भी बोलता है कि अगर एक काम आप 3 तरीकों से कर सकते हो और दूसरा 2 तरीकों से कर सकते हो, तो दोनों काम ही आप 6 तरीकों से कर सकते हो, पर कंडीशन क्या है, दोनों काम करने हैं। एंड आई होप कि दिस एग्जांपल इज सफिशिएंट कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए। इसी वाले को हम बोलते हैं फंडामेंटल रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज यहां पे मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियस है बिकॉज दोनों काम करने हैं। एक और एग्जांपल चलते हैं, उसी एग्जांपल से हम फंडामेंटल ऑफ एडिशन की तरफ जाते हैं। एग्जांपल मैंने सीए क्लास में भी दी थी, सीए फाउंडेशन क्लास में, कि एक मॉर्निंग स्लॉट है और एक इवनिंग स्लॉट है, एंड अ पर्सन हैज डिसाइडेड कि वो मॉर्निंग और इवनिंग में अपने हेल्थ के लिए कोई एफर्ट करना चाहता है। मैं सेम एग्जांपल मैंने सीए फाउंडेशन में भी दी है। तो मॉर्निंग में ऑप्शंस है उसके पास रनिंग, साइकिलिंग एंड क्लब, ठीक है। और इवनिंग में जो ऑप्शंस है इस बंदे के पास वो है जिम, ठीक है, वो है जिम और वो है योगा, ठीक है। सो ये 5 काम है जो बंदा टोटल, ये मेरे पास 5 काम है। मॉर्निंग में 3 की पॉसिबिलिटी है, आप ऐसा समझ लीजिए मॉर्निंग में 3 की क्लासेस होती है, इवनिंग में 2 की क्लासेस होती है। अब एक इंडिविजुअल है, वो सोचा है कि मैं मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों में आधा आधा घंटा यूटिलाइज करूं अपनी हेल्थ के लिए। तो अब सेम क्वेश्चन आ गया, मॉर्निंग में देयर आर 3 वेज and evening mein there are 2 ways, so total number of ways in which this task can be done in both morning and evening are 6 ways, theek hai. aur abhi tak aap itne proficient hai ki aap un 6 tareekon ko enlist kar sako. main fatafat se aapke liye karta hu, running gym pehla option hai, running yoga ya kar sakta hai, cycling gym, साइकिलिंग योगा, क्लब जिम और क्लब योगा,
ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ गए। तो मेरे पास 3 × 2 6 वेज के हिसाब से ये काम हो सकते हैं एज अ फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। लेकिन अब देयर इज अ ट्विस्ट, ट्विस्ट ये है कि ये बंदा बोल रहा है कि मेरे पास दोनों में से एक ही टाइम स्लॉट खाली है, या तो मैं शाम को जाऊंगा या मैं इवनिंग को जाऊंगा। तो अब अगर आप देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया, अब क्वेश्चन बन गया मॉर्निंग और इवनिंग का, नंबर ऑफ वेज इन विच टास्क कैन बी डन इन मॉर्निंग और इवनिंग। अब आप डिफरेंस समझिए, पहले केस में दोनों काम करने थे, अभी दोनों में से एक काम करना है, तो इस केस में हमारा यूज होगा फंडामेंटल रूल्स ऑफ एडिशन। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3 + 2 = 5 वेज, देयर आर 5 वेज। अब इसको लॉजिकली समझिए, फॉर्मूला ने तो 5 दे दिया, लॉजिक क्या बोल रहा है? लॉजिक ये बोल रहा है कि इसके पास या तो सुबह टाइम है या शाम को टाइम, दोनों से एक जगह स्पेंड कर सकता है। तो जो 5 तरीके है वो ऐसे है, फर्स्ट वे इज मॉर्निंग में रनिंग, दूसरा तरीका है मॉर्निंग में ही साइकिलिंग, तीसरा तरीका है मॉर्निंग में ही क्लब। ठीक है, ये 3 तरीके हो गए। इसके अलावा 2 तरीके और आप लिख ही सकते हैं, एक तरीका होगा इवनिंग में जिम, इवनिंग में जिम और इवनिंग में योगा। तो अब अगर मैं देखूं मेरे पास 5 तरीके हो गए ये टास्क करने के लिए, बट ये 5 तरीके कब आए मेरे पास? ये 5 तरीके तब आए जब मेरे पास और वाली कंडीशन आ गई, दोनों में से एक काम करना है। ठीक है, ये जो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल रूल आपने पढ़ा, अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये रूल पूरे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का फंडामेंटल है, बेसिक है, ये पूरे चैप्टर का बेसिक है, तो आपको सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है। 100% सही बात बोल रहा हूं कि ये जो एक कॉन्सेप्ट है ये पूरे चैप्टर की फाउंडेशन, ये पूरे चैप्टर की फाउंडेशन है। तो इसलिए कोई हर्ज नहीं, हम एक बार इसको फिर से रिकॉल करें और हम आगे बढ़े। सेक्शन नंबर पर एग्जांपल्स हो गई है, अब एक बार कॉन्सेप्ट को टेक्निकली देख लेते हैं, देखते हैं क्या हम वही चीज कर रहे थे। हम बोल रहे हैं इफ अ जॉब एट टास्क कैन बी डन इन एम वेज एंड अनदर जॉब एट टास्क कैन बी डन इन एन वेज, द नंबर ऑफ वेज इन विच बोथ जॉब्स कैन बी डन एम इनटू एन वेज, और ये होता है ए एंड बी कॉन्सेप्ट, जहां पे दोनों काम करने हैं, एंड नंबर ऑफ वेज इन विच वन ऑफ द टू जॉब्स कैन बी डन एम प्लस एन वेज, ये होता है ए और बी कॉन्सेप्ट, अगर हमारे पास दोनों में से एक काम करना हो। ठीक है, अगर हमारे पास दो काम है, एक m तरीकों से हो सकता है, एक n तरीकों से हो सकता है, नंबर ऑफ वेज इन बोथ जॉब्स कैन बी डन m into n, इन विच वन ऑफ द टू जॉब्स कैन बी डन m plus n। ठीक है, क्वाइट लॉजिकल, और ये मेरे पास फंडामेंटल रूल हो गया, ऊपर वाला फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये वाला फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन। ठीक है, चलिए हम इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। एग्जाम्पल्स हो गई, इस पे क्वेश्चन भी है ऑब्जेक्टिव की शेप में, वो आप अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल। ठीक है, अब फैक्टोरियल का जो कॉन्सेप्ट अभी है वो बेसिकली लागू होता है, दैट अप्लाइज टू नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग, हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, एंड जीरो पे भी अप्लाई होता है। इसका मतलब नेगेटिव जो इंटीजर है उन पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। अब नेचुरल नंबर और जीरो को हम इकट्ठे एक नाम बोलते हैं, बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, या पॉजिटिव होल नंबर, या इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, बहुत सारे नाम है, तो ये अप्लाई होता है। होता क्या ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मैं आपको इसकी नोटेशन कैसे, या तो इसको ऐसे लिखते हैं या उसको ऐसे लिखते हैं, दोनों इसकी नोटेशन, दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल। ठीक है, और कैसे होता है पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद जनरलाइज करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं 6 फैक्टोरियल निकालो, आप 6 फैक्टोरियल, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 6 फैक्टोरियल, दोनों नोटेशन है, 6 के बाद ऐसे एक्सक्लेमेशन लिखे या 6 को ऐसे एल शेप एक राइट एंगल उसमें रखे, राइट एंगल, दोनों का मतलब सेम है। दिस मीन्स कि मुझे 6 से लेकर 6 से लेकर जहां पे मेरे काउंटिंग नंबर्स एंड होते हैं, और काउंटिंग ऑफ के एंड होते हैं 1 पे, अब 0 को नहीं ले सकते बिकॉज 0 के मल्टीप्लिकेशन से सारा 0 हो जाएगा, वहां तक मल्टीप्लाई करना है। That means 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, I think ये समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6 factorial का मतलब होता है 6 से लेकर
जहां पर काउंटिंग नंबर्स एंड होते हैं वहां तक मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और अगर इसको मैं लिखना चाहूं, वैल्यूएट वैल्यूएट करना चाहूं, तो मैं कर सकता हूं, ये हो गए 10, 30, 120 एंड 720, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं 5 factorial मुझे आप निकाल के दो, और तो कैसे लिखेंगे इसको, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। और इसका मैं आपको वैल्यू बताऊं निकालने के लिए, तो कितना हो गया, 5 × 4 = 20, 20 × 3 = 60, × 2 = 120। और अगर इसका शॉर्टकट भी बताऊं लॉजिकली, मैं सिंपली 6 factorial को डिवाइड कर सकता हूं, यहां पे करता हूं, डिवाइड करता हूं, इसको डिवाइड करता हूं किससे, 6 से, ठीक है। चलिए इसी पैटर्न पे आगे बढ़ते हैं, 4 factorial और दोनों 4 factorial है, is also 4 factorial, 4 × 3 × 2 × 1 which is equal 12, 224, that means मैं यहां पे डिवाइड बाई किया 5। अगर मैं बोलूं 3 factorial और दिस सिंबल इक्वल टू 3 × 2 × 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू 6, और यहां पे अगर मैं देखूं दिस इज डिवाइडेड बाई 4, टू फैक्टोरियल और दिस सिंबल इज इक्वल टू 2 × 1 ऑफकोर्स इक्वल टू 2 इज डिवाइडेड बाई 3, और 1 factorial और 1 इज इक्वल टू 1 बिकॉज़ देयर इज नो काउंटिंग नंबर आफ्टर 1, उस हिसाब से क्योंकि हम डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, विच इज इक्वल टू ऑफ कोर्स 1, और 1 कहां से आया, 2 / 2, ठीक है। आई होप इतना सफिशिएंट है आपको फैक्टोरियल का कांसेप्ट देने के लिए। अब एक कांसेप्ट हमारा है 0 factorial इज इक्वल टू 1, ठीक है, आप उसको बाय डेफिनेशन मान ले या बाय प्रूफ मान ले, By definition मानना है तो 0 factorial is equal to 1, By proof मानना है तो simply जो हम अभी तक करते आ रहे हैं उसी pattern को follow कीजिए, 6, 5, 4, 3, 2, so the next factorial can be obtained by dividing this with 1, और 1 × 1 is also equal to 1, तो मेरे पास जो pattern है उस हिसाब से 0 factorial is equal to 1 ही आएगा। और एक और proof है वो अभी हम रहने देते हैं, इस class के scope से बाहर है। हमारे लिए जो मैंने आपको बताया वो बताया कि 6 factorial is equal to 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी आपने 6 से शुरू करना है, आपने 6 से शुरू करना है, और एंड कहां पे करना है, जहां पे लास्ट काउंटिंग डिजिट है, जीरो को छोड़ के, बिकॉज जीरो इंक्लूड करेंगे तो ये सारा जीरो हो जाएगा, फिर फैक्टोरियल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचता, ठीक। अगर मैं इसको जर्नलाइज करना चाहूँ आपके लिए, इफ आई वॉन्ट टू जर्नलाइज इट, मेरे पास 6 factorial is equal to 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, agreed? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 6 × 5 factorial? Answer is yes, लिख सकता हूं, because आगे ये तो 5 factorial ही है। और क्या मैं 5 factorial को ऐसे लिख सकता हूं 5 × 4 factorial? Answer is yes, ठीक है। तो अब मैं इसको जर्नलाइज करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। जर्नलाइज कैसे करेंगे, कोई भी n का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, से 8 factorial, 9 factorial, 10 factorial, मुझे वही नंबर से स्टार्ट करना है n, ठीक है, अंडरस्टूड, n से स्टार्ट करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई क्या करना है, उस n में से एक घटाना है, n − 1 factorial, फिर इंटू n − 2 factorial, फिर इंटू n − 1, मैं इसको घटा रहा हूं। और ये मैं एंड कहां पे करूंगा, ये सीक्वेंस मैं ये करूंगा एंड हमेशा 3, 2 और 1 पे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन फैक्टोरियल, ठीक है। एक डिनोशन मैंने आपको लिखी और दूसरी डिनोशन इसकी ये है, ठीक है। और कभी कभार हम ऐसे भी लिखते हैं, हम लिखते हैं जो जो मैं बॉक्स कर रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं, उनको आप अपनी नोटिंग में एड कर सकते हैं, तो जो आपको वर्थ, एग्जाम्पल्स को छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी जो मैं लिखवा रहा हूँ वो आप वर्थ नोटिंग आपके पास है, उसको आप नोट कर सकते हैं, फंडामेंटल रूल्स को, इसको, ठीक है। अब एक और चीज है, मैंने कहा आपको 6 factorial is equal to 6 × 5 factorial, quite logical,
ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस n, ये n मैंने ऐसे ही लिखा, और इस सब को आप n माइनस वन फैक्टोरियल मान सकते हैं, क्योंकि तो n माइनस वन फैक्टोरियल ही है बेस्ड अपॉन दिस, अगर आप इसको देखें और इसको देखें, दिस इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, इसको भी आप बॉक्स में रख सकते हैं, आपका एक रिजल्ट के तौर पर काम करेगा, दिस विल ऑल्सो सर्व एज अ रिजल्ट, ठीक है, ठीक है। तो आई होप यहां तो कोई डिफिकल्टी समझ में नहीं आ रही होगी। अगर मैं सिंपली आपको बोलूं 4 फैक्टोरियल, आप बोलोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 8 फैक्टोरियल आप बोलोगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अक्सर मैंने क्या देखा स्टूडेंट्स को कहां पे डिफिकल्टी होती है, जब तक चीजें ऐसे होंगी एब्सोल्यूट टर्म्स में तो वो अच्छे से समझ आते हैं, लेकिन जैसे इनको जनरलाइज करने लगते हैं, इनको लगता है कि ये कोई डिफरेंट चीज है। जनरलाइज्ड फॉर्म हमेशा ऐसी होगी। जनरलाइज्ड फॉर्म का क्या मतलब है कि मैंने 4 फैक्टोरियल की डेफिनेशन लिख दी, 8 फैक्टोरियल की डेफिनेशन लिख दी, 9 फैक्टोरियल की डेफिनेशन लिख दी, लेकिन अगर मुझे इसको डिफाइन करना है तो मुझे किसी वैल्यू n पे करना होगा, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी वैल्यू n है, कोई भी वैल्यू n है, 2, 3, 4, 5, मैं कैसे निकालूंगा, मैं n से शुरू करूंगा, एक एक घटाऊंगा 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 घटाऊंगा, कहां तक लेस करूंगा, जहां तक मेरा 3-2-1 कंप्लीट हो जाए। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और ये इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। और नीचे मैंने क्या रिजल्ट लिखा, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको 6 फैक्टोरियल मेरे पास इक्वल टू होता है 6 इनटू 5 फैक्टोरियल के, ये बताया, तो इसका मतलब n फैक्टोरियल किसी बराबर होता है, n को अगर मैं बाहर लूं तो मैं नेक्स्ट वर्ड का फैक्टोरियल ले सकता हूं। तो ये सब इन्हीं की जनरलाइज्ड फॉर्म है, ये सब इन्हीं की जनरलाइज्ड फॉर्म्स है, ठीक है। चलिए हमारे पास फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग हो गया और हमारे पास फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इन्हीं दो को हम यूज करके अपने पास देखो कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है, परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं। परम्यूटेशन ठीक है, मेरे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है परम्यूटेशन, तो अब आप मेन टॉपिक की तरफ आ रहे हैं जहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। और परम्यूटेशन मैं आपको एक वर्ड में बोलूं इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट्स, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट्स, ठीक है। उसके बाद एक होता है कॉम्बिनेशन, इसका मतलब होता है ग्रुप्स, वो आगे देखेंगे, पहले आप इस पर फोकस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये चीज अच्छे ध्यान से देखनी है, यहाँ पे आपको अच्छे से एक चीज समझनी है कि ये परम्यूटेशंस जो है इसका पूरा लिंकेज है मेरे पिछले कॉन्सेप्ट के साथ, बाय पिछले कॉन्सेप्ट आई मीन टू से फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग के साथ। अब उसको दिमाग में रख के हम इसको आगे यहां से बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए क्या होती है परम्यूटेशंस, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक सिंपल एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आपने अभी तक परम्यूटेशंस नहीं पढ़ा है, मैं आपको एक एग्जांपल थ्रो करता हूं, एक एग्जांपल, उस एग्जांपल के बेसिस पे आप लॉजिकली उस एग्जांपल को अप्रोच करने की कोशिश करिए। एंड द प्रॉब्लम इज मैं आपको जो लिख रहा हूं वो प्रॉब्लम देख लीजिए, मैं बोल रहा हूं मेरे पास 3 स्टूडेंट्स है, मेरे पास 3 बॉयज है, ए बी सी, ठीक है, मेरे पास 3 है, एक ए एक बी और एक सी, ठीक है, 3 हो गए। अब मैं बोल रहा हूं कि इन मुझे क्या करना है, इनका लेना है फोटोग्राफ, मुझे इनका फोटोग्राफ लेना है, ठीक है, एक ये सवाल में नंबर के एग्जांपल दूंगा। एंड आपने मुझे बताना है कि हाउ मेनी वेज, कितने डिफरेंट तरीके हैं, हाउ मेनी वेज कैन ग्रुप फोटोग्राफी टेक, अभी तक आपने परम्यूटेशन नहीं पढ़ा, मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया लॉजिकली अप्रोच करने के लिए बोला है इस एग्जांपल को, कि मेरे पास लॉजिकली आपको अप्रोच करने के बोले कि मेरे पास ए बी सी 3 लोग हैं, इनको ग्रुप फोटोग्राफ लेना है, और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कितने वेज है कि ग्रुप फोटोग्राफ हम ले सकते हैं,
ठीक है, लॉजिकली अप्रोच कीजिए। हम ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है, हम ऐसी प्रॉब्लम को मैथमेटिकली कैसे अप्रोच करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि हम ग्रुप फोटोग्राफ्स की पोजीशंस को फ्रीज कर देते हैं। सपोज कैसे फ्रीज करेंगे, आई वुड से कि मैंने यहाँ पे तीन चेयर लगा दी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ध्यान से देखेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही इसी कॉन्सेप्ट से करने हैं। मैं कह रहा हूँ परमिटेशन को आप बोल जाओ, आप लॉजिकली अप्रोच करो। ये मेरे पास आ गई प्रॉब्लम, तो मैंने कहा कि मुझे तीन लोगों का फोटोग्राफ लेना है, तो मैंने तीन चेयर लगा दी, मैंने तीनों तीन पोजीशन कर दी फ्रीज, तीन चेयर लगा दी, ठीक है। अब आप इस प्रॉब्लम को अप्रोच करिए बाय यूजिंग फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग, ठीक है। मैंने पढ़ा तो मैं परमिटेशन रहा हूं, मैंने कहा परमिटेशन को भूल जाइए, आप इस प्रॉब्लम को अप्रोच कीजिए थ्रू फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग मुझे क्या बता रही है, ये बता रही है कि अगर कोई काम m तरीकों से हो सकता है, अगला काम n तरीकों से हो सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज मेरे पास बनेंगे m into n। उस चीज को दिमाग में रखिए, आगे बढ़िए। तो क्वेश्चन क्या है कि मुझे ए बी सी का ग्रुप फोटोग्राफ लेना है, मुझे ए बी सी का ग्रुप फोटोग्राफ लेना है, ठीक है, मुझे ए बी सी का ग्रुप फोटोग्राफ लेना है, और मेरे पास तीन सीट्स है, तीन लोग है तो तीन सीट्स होंगी ऑब्वियसली। अब आप बताइए कितने तरीकों से ये काम हो सकता है। सो तो कैसे अप्रोच करेंगे, क्वेश्चन इज कैसे अप्रोच करेंगे, लॉजिकली देखिए। मैं ये बोलूंगा कि सबसे पहले मैं उठाऊंगा इस ए को, ठीक है, या तो मैं ऐसे करूंगा, सबसे पहले उठाऊंगा ए को और ए को पोजीशन करूंगा, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि मैं उल्टा आऊंगा, सबसे पहले उठाऊंगा इस चेयर को और फिर देख सकता हूं कि ये चेयर कैसे ऑक्यूपाई हो सकती है। दोनों तरीके सेम है, दोनों से आंसर सेम आएगा, आप चाहे वहां से अप्रोच करिए, यहां से अप्रोच करिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम करेंगे चेयर वाला मेथड यूज, फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम चेयर वाला, बिकॉज चेयर इज फिक्स्ड, इस सबसे हम चेयर वाला मेथड यूज करेंगे। मैं कह रहा हूं कि जो फर्स्ट चेयर है, जिसको मैंने क्रॉस से नोट्स किया, फर्स्ट चेयर, ये कितने तरीकों से ऑक्यूपाई हो सकती है, इन हाउ मेनी वेज कैन फर्स्ट चेयर बी ऑक्यूपाइड। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं अपना, कैन चेयर वन बी ऑक्यूपाइड, बताइए आप लोग अपने साथ इसको सॉल्व कीजिए कि चेयर वन कितने तरीकों से ऑक्यूपाई हो सकती है। मुझे मेरे पास तीन चेयर है, तीनों वैकेंट है, अभी खाली है, अब मुझे ए बी या सी में से किसी बंदे को बिठाना है, तो मेरे पास कितने वेज है चेयर वन को ऑक्यूपाई करने के, आंसर विल बी थ्री, क्वाइट लॉजिकल। मेरे पास तीन तरीके है, या तो मैं ए को बिठाऊंगा, या बी को, या सी को। सो फर्स्ट टास्क कैन बी डन इन थ्री वेज, ठीक है, थ्री फ्रीज हो गए, तो मैं पहला काम कर सकता हूं तीन तरीकों से, बहुत ध्यान से देखेंगे। There are three ways to fill this chair, या तो occupy this chair, technically बोले। There are three ways to occupy this chair, chair one. अब मैं आऊंगा chair two की तरफ। जब इधर A, B और C तीनों में से कोई इस चेयर पे बैठा होगा, उसने तीन तरीके बोले, मैं A को बिठा सकता हूँ, B को भी और C को बिठा सकता हूँ, मैं तीन तरीके बोले। अगर A, B या C यहाँ पे बैठा हुआ है, A, B या C यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है मेरे पास जो नेक्स्ट चेयर है दैट कैन बी ऑक्यूपाइड इन टू वेज, क्योंकि मैं जब यहाँ किसी एक को बिठाऊंगा तीनों में से, तो उसके बाद दो बजेंगे, दोनों में से किसी को बिठा सकता हूँ। सो नेक्स्ट चेयर कैन बी ऑक्यूपाइड इन टू वेज, ठीक है, चेयर टू कैन बी ऑक्यूपाइड इन टू वेज, एंड सिमिलरली लास्ट चेयर कैन बी ऑक्यूपाइड इन अ सिंगल वे, बिकॉज जब मेरे पास एक ही कैंडिडेट बचा होगा बैठने के लिए, तब मैंने चेयर वन और टू ऑक्यूपाई कर ली होगी, सो लास्ट चेयर कैन बी ऑक्यूपाइड इन वन वे, चेयर थ्री कैन बी ऑक्यूपाइड इन वन वे। तो अब आप करेंगे फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग यूज, कौन सा, एडिशन या मल्टीप्लीकेशन, वापस लॉजिक यूज करेंगे। इफ अ टास्क ए कैन बी डन इन थ्री वेज, बी कैन बी डन इन टू वेज, एंड सी कैन बी डन इन से कोई भी वेज, तो नंबर ऑफ वेज इन विच बोथ टास्क कैन बी डन m into n। अब यहां पे मुझे बोथ टास्क करने हैं, एक टास्क करना, मुझे यहां पे चेयर ये भी ऑक्यूपाई करनी है, ये भी ऑक्यूपाई करनी है, ये भी ऑक्यूपाई करनी है, ठीक बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ पे तीनों चेयर ऑक्यूपाई करवानी है, बिकॉज तीनों का फोटोग्राफ लेना है। तो इस हिसाब से मेरा जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 3 × 2 × 1, एंड दिस इज 6 वेज। सो जो मेरा आंसर है पहले पार्ट का वो है दिस जॉब कैन बी डन इन 6 वेज, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं, ये परमिटेशन ही पढ़ रहे हैं, ये परमिटेशन का कॉन्सेप्ट आपका हो गया, नोटेशन में लिखवा दूंगा, ये परमिटेशन कॉन्सेप्ट है। तो मैंने कहा कि मैंने यूज क्या किया, फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग,
मैंने कहा कि ए बी और सी का फोटोग्राफ लेना है, कितने तरीके हो सकते हैं, प्लेस वन तीन तरीकों से ऑक्यूपाई कर सकते हैं, प्लेस टू दो तरीकों से, प्लेस थ्री एक तरीके से, और इस हिसाब से बाय यूजिंग फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग मेरे पास सिक्स वेज है इन विच दिस जॉब कैन बी डन। ठीक है, लॉजिकल। अब आंसर तो हो गया, बट मैं चाहता हूं कि आप वो छह तरीके विजुअलाइज करें। इफ यू कैन विजुअलाइज दीज सिक्स वेज, छह अलग अलग फोटोग्राफ आप मुझे बना के दे। एक लास्ट बार आगे से विजुअलाइजेशन वाला पार्ट रहने देते बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग है, बट एक बार मैं आपको चाहता हूं कि विजुअलाइजेशन आप लोग मेरे साथ करें कि कौन से छह तरीके, क्या छह फोटोग्राफ बन सकते हैं। आंसर इज यस, हम छह फोटोग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट फोटोग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है। सेकेंड फोटोग्राफ विल बी लाइक दिस, वी आर बी एंड सी आर स्वैपिंग पोजीशंस। अच्छा, नेक्स्ट फोटोग्राफ कैन बी लाइक दिस, बी को हम विल ब्रिंग बी टू द फ्रंट, ठीक है, एंड लेट ए शिफ्ट हियर, तो वही हो सकता है ए एंड सी, बी इज एट द फ्रंट, सी एंड ए विल स्वैप पोजीशंस, ठीक है, विल ब्रिंग सी टू द फ्रंट एंड ए एंड बी विल शिफ्ट टू द राइट एंड वी कैन स्वैप पोजीशंस ऑफ बी एंड ए। अब आप देखिए, अगर आप गौर से देखें, मेरे पास आंसर छह आया और यहाँ पे मेरे पास छह अलग अलग फोटोग्राफ्स आ गए, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। हाउ मेनी वेज कैन गुड फोटोग्राफ बी टेकन। ठीक है, आई थिंक लॉजिकल इनफ, इजी इनफ। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं आता हूं परमिटेशंस की तरफ। In how many ways, letters of word, can be arranged? ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी तक आपसे हो जाना चाहिए, बेस्ड अपॉन फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग। अभी परमिटेशंस को छेड़ा है। In how many ways letters of word care can be arranged? मेरे पास एक वर्ड है care, which letters arrange करने। तो फिर से प्रॉब्लम से ऊपर जैसी प्रॉब्लम है, तो आप सिंपली बोलेंगे कि मेरे पास चार स्लॉट है, ऐसे ऐसे बात करेंगे, केयर के कितने वर्ड्स है, चार, मेरे पास चार स्लॉट है, मैं चार ही वर्ड को अरेंज कर सकता हूँ। एंड दिस फर्स्ट स्लॉट कैन बी फिल्ड इन फोर वेज, सेकंड इन थ्री वेज, थर्ड इन टू एंड वन, यही बोलेंगे। यहाँ पे मैं चारों में से कोई भी लिख सकता हूँ, फिर तीन, फिर दो, फिर एक, एंड आंसर विल बी 4 × 3 × 2 × 1 व्हिच इज 24, व्हिच इज 24 डेज। ठीक है, एंड अब मैं 24 वेज के नहीं बनाऊंगा, आप में से जो लोग ट्राई करना चाहते हैं फॉर सेक ऑफ लर्निंग, वो अपने पास केयर के 24 अरेंजमेंट्स बना के देखे। अप्रोच ऐसे ही करना है, पहले वर्ड को कॉन्स्टेंट रखिए, इनको रीअरेंज कीजिए, फिर ए को कॉन्स्टेंट रखिए, इन तीनों को रीअरेंज कीजिए, तो लॉजिकली आपसे हो जाएगा। जब ऊपर आपके पास छह वेज बन गए, बिकॉज चार वर्ड्स है, तो आप कर सकते हैं सी ए आर ई के, और इसके आगे जो ऊपर अरेंजमेंट्स बने हुए, थ्री फैक्टोरियल वेज। आई होप कि अगर आप इसको करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज नॉट नेसेसरी, इसके 24 वेज बन जाएंगे। ठीक है, ये एग्जांपल भी यहाँ पे सेट होगी, तो मैंने ये एग्जांपल अपने पास सेट। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि जो ए बी सी वाला है, ये जो ए बी सी वाला एग्जाम्पल है फोटोग्राफ वाला, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाऊं ताकि मैं परमिटेशन का कॉन्सेप्ट आपके साथ कंप्लीट कर सकूं। क्या ट्विस्ट लाना है मुझे, ये देखिए, ठीक है। एक चीज आपने वैसे भी अभी तक नोट की होगी कि जब मैंने बोला कि तीन लोगों का फोटोग्राफ लेना है, तो कितने वेज आ गए मेरे पास, छह, जिस इक्वल टू 3 factorial। लॉजिकल, 3 × 2 × 1 आया था। जब मैंने 4 लेटर्स की बात की थी केयर के केस में, तो आंसर क्या था, 24, which is equal to 4 factorial, quite logical, because आंसर आया था 4 × 3 × 2 × 1, इसको याद रखिए, काम आएगा। चलिए, अब मैंने कैसे ट्विस्ट किया इस स्टोरी को, मैंने इस स्टोरी को ऐसे ट्विस्ट किया कि मैं कह रहा हूं कि ए बी सी मेरे पास है, मुझे ग्रुप फोटोग्राफ लेना है, बट मुझे, मेरे पास जो सीट्स है वो दो ही है। देखिए, मैंने क्वेश्चन को चेंज किया, इन हाउ मेनी वेज
can ABC take a joint photograph if two persons at a time, if two persons at a time can stand for a picture? अब मैंने क्या बोला, पहले मैंने कहा कि तीन लोग हैं और तीनों को गुड फोटोग्राफ लेना है। मैंने क्वेश्चन इतना चेंज किया, मैंने कहा तीन लोग हैं मेरे पास, तीन लोग हैं और तीन में से दो को फोटोग्राफ लेना, तीन में से दो को फोटोग्राफ लेना, ठीक है। तो प्रॉब्लम अभी भी चेंज नहीं हुई, आपको अभी लॉजिकली अप्रोच करना है। तो जो मेरे पास फर्स्ट चेयर है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी ऑक्यूपाइड, यहां मैं किसी को बिठा सकता हूं, ए को, बी को या सी को, देयर आर थ्री वेज। उसके बाद सेकंड चेयर बच गई, हमें किसको बिठा सकता हूं, दोनों में से किसी को, एक तो बैठ गया, टू वेज। तो मेरा आंसर क्या होगा, फंडामेंटल्स ऑफ काउंटिंग से थ्री इंटू टू, बिकॉज दोनों चेयर ऑक्यूपाई करनी है, सिक्स वेज। अब ये सिक्स वेज और ऊपर वाला सिक्स वेज डिफरेंट है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। ये सिक्स वेज और ऊपर वाला सिक्स वेज डिफरेंट। ऊपर क्वेश्चन क्या था कि तीन लोगों में से तीनों को फोटोग्राफ लेना है, तीन में से दो को फोटोग्राफ लेना है। अब आंसर तो छह आ गया बाय द फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग, लेकिन अगर मैं इसको लॉजिकली अप्रोच करना चाहूं तो कैसे करूंगा, क्या मैं ये छह वेज निकाल सकता हूं? ये मैं आपके साथ निकालना चाहता हूं, बिकॉज इसके पीछे मेरा एक पर्पस है, जो परमुटेशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है इसके बाद। तो अब मैं चाहता हूं कि आप ये छह वेज मेरे साथ बना। सो द फर्स्ट वे विल बी कि वी विल सिलेक्ट ए फॉर दिस चेयर एंड ग्रुप ए विद बी, सिमिलरली ए विद सी, ठीक है। हम कहेंगे नहीं, ए नहीं, हम बी को उठाएंगे, एंड वी कैन ग्रुप बी विद सी, we can also group this b with a, because a b and b is a separate photograph, which is ab yaad rakhiye, is baar a idhar hai, us baar a is side, is separate photograph hai, yahan pe maine cheez aapko batayi thi, kahan pe humne image banayi thi, idhar aap dekhiye, a b c aur a c b jo hai, although teenon mein bande to same hai, lekin order alag hai। तो परमुटेशन के केस में वी गिव ड्यू केयर टू ऑर्डर, यानी हमारे पास जो ऑर्डर होता है वो एक अलग अरेंजमेंट है, और बिल्कुल अलग अरेंजमेंट है। अगर हम देखें तो कायदे से कोई नहीं बोल सकता कि ये सेम फोटोग्राफ है, दीज आर सेपरेट फोटोग्राफ्स, ए बी सी और ए सी बी आर सेपरेट फोटोग्राफ्स, बिकॉज ऑर्डर की यहां पे रेलेवेंस है। चलिए चलिए चलिए, हम यहां तक पहुंच गए थे। अब लास्टली हम सी को फ्रंट पे रख सकते हैं और सी के साथ ए को क्लब कर सकते हैं और सी के साथ बी को क्लब कर सकते हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, आप ट्राई कर लीजिए, ये तरीके इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो मेरे पास छह तरीके आ गए इस प्रॉब्लम में भी, जहां पे मैंने क्या किया, मेरे पास तीन लोग थे और मुझे दो को ही बुलाना था फोटोग्राफ के लिए, ठीक है। ऑर्डर यहाँ पे भी हमने क्या किया, ऑर्डर को हमने ड्यू रिगार्ड यहाँ पे दिया, मीन्स ए बी और बी ए, ए बी and BA are separate arrangements, quite logical, or separate arrangements. Similarly ABC and CBA are separate arrangements, ठीक है। चलिए तो आई थिंक यहां तक आप समझ गए, लेकिन ये तो अभी तक फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग पे से ही मैं आपको करवाया। अब यही चीज को मैं आपको बताऊंगा परम्यूटेशन से। ये जो हमने प्रॉब्लम की, जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की, इसी को हम बोलते हैं परम्यूटेशन। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, इफ देयर आर, यहां से आप नोट कर सकते हैं, इफ देयर आर एन थिंग्स, अगर मेरे पास, अब वही जर्नलिस्ट वाली बात, मेरे पास एन थिंग्स है, पहले केस में तीन थे, दूसरे में चार थे, केयर के केस में चार थे, पहले केस में तीन थे और तीसरे केस में भी तीन थे, इफ देयर आर एन थिंग्स एंड आउट ऑफ विच आर टू बी अरेंज्ड, अगर मेरे पास एन थिंग्स है, सपोज मेरे पास चार चीजें हैं, मुझे चार में से चार को अरेंज करना है, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते हैं कैसे, बाय नोटेशन एन पी आर, एन पी आर,
और पढ़ते कैसे, ये ऊपर छोटा एन है, इसको हम पढ़ते हैं अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स, अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। तो पहले केस में हमने क्या किया, अगर हम देखें गौर से, पहले केस में हमने किया जब हमने आंसर निकाला 6, हमने बेसिकली किया 3P3, वी हैड 3 थिंग्स और 3 में से हमने तीनों को लिया, तो हमारा आंसर आया 3 factorial। अगर फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग से देखो, हमारा आंसर आया 3 × 2 × 1। दूसरे केस में हमने क्या किया, हमारे पास 4 वर्ड्स थे कियर में, CARE, और हमने चारों को लिया, तो हमारा आंसर था 4P4, 4 में से 4 लेने हैं, is equal to 4 factorial is equal to 4 × 3 × 2 × 1। और तीसरे केस में हमने क्या किया, 3P2 जो हमारे पास निकला 3 × 2 = 6 ways। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्यों लिखा है, आपको सॉल्व करवाना है। ठीक है, सो इफ देयर आर एन थिंग्स, या मैं जनरलाइज कर रहा हूं प्रेजेंटेशन का कांसेप्ट, इफ देयर आर एन थिंग्स एंड आउट ऑफ विच आर आर टू बी अरेंज, मेरे पास एन थिंग्स है मुझे आर अरेंज करने, 4P2 की एग्जाम्पल, 3 example, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, NPR, और पढ़ते कैसे, अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स, अरेंजमेंट ऑफ एन टेकन आर एट अ टाइम, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, ये इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट पे ध्यान देंगे, अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। ठीक है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, और ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है n factorial, फैक्टोरियल को पता ही क्या होता है, डिवाइडेड बाय n माइनस r factorial। अब ये चीज आपके लिए बड़ी अजीब हो सकती है कि ये फॉर्मूला कहां से आई, जो अभी तक हमने किया वही से ये फॉर्मूला आई है। तो अब हम इन्हीं एग्जांपल्स को, इन्हीं जो हमने एग्जांपल्स किए इन्हीं को एक बार हम इस नजरिए से देखते हैं, जो अभी तक हमने किया उसको अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप समझेंगे कि अरेंजमेंट्स का पर्पस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं इसको बॉक्सिंग करूं ताकि आप इसको नोट करें, तो मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा, पढ़ते कैसे, अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम। एक बार मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक हमने जो किया वो सेम है, फॉर्मूला कहां से आया। अब मैं क्वेश्चन एक लिखता हूं यहां पे, आप मेरे साथ देखेंगे, क्वेश्चन देखा देखा है, अभी हमने किया था, इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ, मैं वर्ड क्लियर ही यूज करता हूं, अभी कोई वर्ड चेंज नहीं करता ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ वर्ड केयर बी अरेंज्ड टेकन 2 एट अ टाइम। अब मैंने आपको बताया कि वर्ड मेरे पास सेम है केयर, वर्ड मेरे पास सेम है केयर, बट मुझे करना है इसमें से दो, सिर्फ दो वर्ड अरेंज करने, कितने वेज है, हम इस प्रॉब्लम को दोनों तरीकों से अप्रोच करेंगे, थ्रू परम्यूटेशन एंड थ्रू फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंट, और हम देखेंगे कि फॉर्मूला कहां से आई, फॉर्मूला तो आपने याद कर ही ली होगी, कहां से आई, देखिए, फर्स्ट वी विल अप्रोच दिस प्रॉब्लम थ्रू फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग। मेरे पास दो स्लॉट है, मुझे दो वर्ड ही लेने हैं, मेरे पास दो ही स्लॉट है, तो मैं दो ही वर्ड ले सकता हूँ, क्वेश्चन की कंडीशन है टेकन टू एट अ टाइम, कंडीशन है क्वेश्चन की टेकन टू एट अ टाइम, तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें आंसर दिया कि मैं फर्स्ट स्लॉट को फिल कर सकता हूँ 4 तरीकों से, एंड नेक्स्ट को स्लॉट को फिल कर सकता हूँ 3 तरीकों से, मैं ठीक बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, तो मेरा आंसर निकला 12 वेज। सो दिस अप्रोच आई यूज्ड, कौन सी अप्रोच है, फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग वाली। ठीक है, ये आप चीजों को अभी तक समझ आ गई होगी अच्छे से बहुत एग्जांपल्स की, लेकिन अगर मैं इसी चीज को बोलूं कि भाई डेफिनेशन तो मैं एनपीआर आपसे मांग रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अरेंज टू थिंग्स आउट ऑफ 4, यही तो परमिटेशन होता है,
arrangement of two things, four things taken two at a time, ठीक है. और मैं कह रहा हूं कि by formula this is 4 factorial divided by 4 minus 2 factorial, ठीक है. और फिर आप आंसर निकाल ही लेंगे, 4 into 3 into 2 divided by 2 into 1 to 1 भी लिख लेता हूं आप लोगों के लिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा 12. पर मेरा पॉइंट वो नहीं है, वो तो आप कर ही लेंगे बिकॉज मैंने बता ही दिया कि ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल है. लेकिन पॉइंट है कि ये और ये में क्या रिजेंबलेंस है, ये और ये में क्या रिजेंबलेंस है, ठीक है. आगे चलते हैं और आगे जब नेक्स्ट में करवाऊंगा खुद ही बताएंगे कि कैसे ये हो रहा है. अब मैं आपसे बोल रहा हूं अभी तक ये केयर था, मैंने केयर की जगह वर्ड यूज किया, ठीक है, मैंने वर्ड यूज किया केयर्ड, ठीक. चलिए अब सेम प्रॉब्लम है, इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ वर्ड केयर्ड बी अरेंज, सी आर ई डी, बी अरेंज टेकन टू एट अ टाइम. अब मुझे आंसर बताएंगे फंडामेंटल काउंटिंग के साथ, फर्स्ट 5 वेज, सेकंड 4 वेज, आंसर इज 20. बाय यूज ऑफ परमुटेशन आप कहेंगे 5p2, आप कहेंगे 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, आप कहेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो आप कहेंगे 5 into 4 into 3 into 2 into 1 divided by 3 into 2 into 1 is equal 20. क्या अभी तक आप फिगर आउट कर पाए? मैं चाहता हूं कि आप माइंड अप्लाई कर अभी तक आप फिगर आउट कर पाए फॉर्मूला कहां से आ रही है. आई होप यस. और मैं आपको समझाता हूं हम कहां से फॉर्मूला मिला है. देखिए फॉर्मूला का सोर्स क्या है, जब मैं कह रहा हूं कि इसके मुझे वर्ड्स अरेंज करने हैं, मेरे पास 5 वर्ड और 2 अरेंज करने हैं, तो मैं पहला वर्ड 5 तरीकों से लिख रहा हूं, दूसरा 4 तरीकों से लिख रहा हूं, ठीक है. और मैंने यहां पे ब्रेक लगाई. मैंने ब्रेक क्यों लगाई? मैंने ब्रेक इसलिए लगाई बिकॉज आगे मेरे पास चेयर्स ही नहीं है. आई हैव नो चेयर्स टू ऑक्यूपाई. फोटोग्राफ फॉर एग्जांपल, आई हैव नो चेयर्स टू ऑक्यूपाई. लेट अस प्रिज्यूम कि क्वेश्चन ऐसे होता, 5 taken 5 at a time, तो मैं आंसर क्या बोलता, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यही बोलता. अगर मेरे पास scared होता और मुझे 5 में से 5 ही वर्ड अरेंज करने होते तो it would have been 5p5 logically. और fundamentals of counting के थ्रू 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यानी मैं कंप्लीट करता 5 factorial. I would have completed my 5 factorial, logical. लेकिन जब मैं इसको बोल रहा हूं 5p2 मुझे करना है 5 में से 2, तो मैं ये फैक्टोरियल कंप्लीट नहीं कर पा रहा, मुझे इस फैक्टोरियल को रोकना पड़ रहा है. ये देखिए 5 into 4 5p2 के केस में मुझे इस फैक्टोरियल को रोकना पड़ रहा है, ठीक है, मुझे इस फैक्टोरियल को रोकना पड़ रहा है. और मैं फैक्टोरियल को कहां पे रोक रहा हूं, मैं इस फैक्टोरियल को कहां पे रोक रहा हूं, ठीक है. तो पहले केस में मेरा आंसर निकला n फैक्टोरियल, ठीक है, n factorial. ये देखिए 5p5 is equal to 5n factorial, got it. लेकिन जब मैंने 5p5 के बजाय 5p2 बोला आप लोगों को, तो आपने बोला 5 तरीके 4 तरीके, 5 में से 5 तरीके 4 तरीके by the fundamentals of counting, तो मुझे 5 factorial को break करना पड़ा, रोकना पड़ा. अब मुझे कहां पे इसको रोकना पड़ा, आगे मुझे क्या लिखना चाहिए था, 3 2 1. तो अगर आप लॉजिकली देखिए, मैंने 3 2 1 को स्किप किया ऑब्वियसली, और 3 2 1 किसके बराबर है, मेरा 3 फैक्टोरियल के बराबर है, ठीक है. तो इसी चीज को हम लिखते हैं, यही चीज हम लिखते हैं फॉर्मूला में, कि कायदे से मुझे n फैक्टोरियल ही लिखना पड़ेगा और मेरा आंसर हमेशा n फैक्टोरियल ही आना चाहिए. n p n का मतलब होता है n फैक्टोरियल, लॉजिकल. बिल्कुल अभी तक आप चीज समझिए होंगे, 5 में से 5 को अरेंज करना है तो 5 फैक्टोरियल, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है, ओके, लॉजिकल. लेकिन जब np n के बजाय npr आ गया, अब मैंने कंडीशन लगाई कि 5 में से 2 को ही अरेंज करना है, 3 को ही अरेंज करना है, 1 को ही अरेंज करना है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, मुझे फैक्टोरियल को रोकना पड़ता है. कैसे, n फैक्टोरियल मैं इसको डिवाइड करूंगा n माइनस r फैक्टोरियल, मैं इसको कहां पे रोकूंगा, n माइनस r. अब इस केस में देखिए 5p2 के केस में मैंने 5 into 4 पूरा लिखा, 3 into 2 into 1,
लेकिन इसको मुझे रोकना पड़ेगा 5 - 2, 3 फैक्टोरियल के केस में, ये निकल जाता है सारा, तो मैं 5 × 4 = 20 तक ही आ जाता हूँ, चाहे मैं इसको ऐसे करूं या चाहे मैं इसको अब फंडामेंटल्स ऑफ काउंटिंग थ्रू, ठीक है लॉजिकल। तो एनपीआर डेफिनेशन फंडामेंटल्स ऑफ काउंटिंग से ही निकली है कि मुझे फैक्टोरियल को रोकना पड़ता है। अब मैं इस चीज को जनरलाइज करके बस आपके लिए फॉर्मूलाज लिख देता हूं ताकि आप इसको कंप्लीट करें। मैंने आपको एनपीआर बता दिया क्या होता है, तो एनपीआर इक्विवेलेंट होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है इसको आप, ये आपके पास आ गया पहला रिजल्ट। दूसरा, अगर npn हुआ तो इसकी कोई रेलिवेंस ही नहीं है, ये बन गया n फैक्टोरियल एज नॉर्मल, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ काउंटिंग करते हैं बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। अगर मैं np1 करूं, अगर मैं np1 करूं, ठीक है 5 में से 1 चूज करना है तो लॉजिकली क्या होगा, 5 वेज होंगे। अगर मुझे 5 में से 1 ही चूज करना है तो 5 तरीके होंगे ना, कोई 5 चूज कर सकता हूँ, और इस ऐसे करे तो वैसे भी निकलेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल व्हिच इज आल्सो इक्वल टू n, ठीक है। ये सब लॉजिकली आप परसीव कीजिए, एज अ फॉर्मूलाज मत देखिए कि मुझे 3 बंदों में से 1 को चूज करना है, कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं, मुझे एबीसी में से 1 को चूज करना है, 3 तरीके, और बाय डेफिनेशन भी वही निकलता है आंसर, ठीक है। np0, अब ये बड़ा अजीब सा हो गया, मुझे एबीसी में से किसी को चूज नहीं करना, तो आंसर इज 1। 1 कैसे, अगर वैसे करना चाहे n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल तो वैसे भी 1 निकलेगा, और 1 कैसे लॉजिकली, जब मुझे कोई परम्यूटेशन ही बनानी नहीं है, सो देयर इज नो परम्यूटेशन, देयर इज ओनली 1 परम्यूटेशन व्हिच इज इक्वल टू नो परम्यूटेशन, बनानी नहीं है जब, तो बात खत्म हो गई, np0 आएगा नहीं बट स्टिल हो सकता है, np0 मींस नो परम्यूटेशन, ठीक है। तो आई थिंक इतना, इसके अलावा कुछ है npn np0 ना, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक एग्जांपल करते हैं, example 1, ये सब examples आपके पास आ सकती है, इनको ध्यान से देखिए। np4, मैंने objectives आपको नहीं दिए, np4 concept completion के बाद is equal to 60, find n, ठीक है। अपने पास ये question करेंगे, मैं भी साथ साथ करवाता हूँ, ये question करेंगे, कैसे करेंगे इसको, इसकी definition use कीजिए, n factorial divided by n minus 4 factorial, ठीक है, इज इक्वल 360, ठीक है। अब आपको ऑलरेडी पता है कि n फैक्टोरियल और n माइनस 4 में से बड़ा कौन है, n और n माइनस 4 में से बड़ा कौन है, से n इज 10, n माइनस 4 इज 6, दैट मींस n इज ग्रेटर, ऑब्वियसली मैं लेस कर रहा हूं 4, तो n इज ग्रेटर, इफ n इज ग्रेटर तो इसका मतलब ग्रेटर फैक्टोरियल मस्ट कंटेन स्मॉलर फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल मस्ट कंटेन 6 फैक्टोरियल, लॉजिकल 10 फैक्टोरियल में 6 फैक्टोरियल इंक्लूड होगा, तो इसलिए मुझे इसको ब्रेक करना है ताकि मैं कॉमन को कैंसिल कर पाऊं। इसको दिमाग में रखिए, ये ऐसे है, ये ऐसे, तो ऊपर वाला मेरा आएगा n इंटू n माइनस 1, जैसे पहले ही पढ़ाया, n माइनस 2, n माइनस 3, और ये आएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल, ऑब्वियसली हमने फैक्टोरियल क्यों नहीं कहा, नीचे से कैंसिल करना है, ठीक है। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे, 10 इज फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे मेरे पास है 6 फैक्टोरियल, तो ये मैं कैंसिल करूंगा, ये मेरे पास बचेगा, यही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब ये चला जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब यहां तक आप ऐसे मैक्सिमम बच्चे सॉल्व कर लेंगे, अब आगे आप बोलेंगे कैसे अप्रोच करें। अब अगर मैं यहां से इस एल्जेब्रिक पोर्शन को सॉल्व करने बैठूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगी इक्वेशन टू द रेज पावर 4, जो कि आपके स्कोप से बिल्कुल बियॉन्ड है। तो मुझे यहां से कैसे अप्रोच करना है, मुझे अप्रोच ऐसे करना चाहिए यहां से इसको, ये देखिए मुझे पता है कि एन और आर हमेशा मेरे पास क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, आपको ऑलरेडी पता है, यू मस्ट बी नोइंग दिस थिंग्स, कि अभी तक हमने एनपीआर के कांसेप्ट नेगेटिव में से तो चूज कर नहीं सकते, और इनका डिफरेंस क्या है आपस में, 1, n, n माइनस 1, n माइनस 2, इसका मतलब ये ऐसे होंगे, मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, 8, 7, 6, 5,
ये होंगे 10, 11, 12, 13, यही मतलब है इसका कि एडजेसेंट होंगे। क्या होंगे मुझे नहीं पता, मैं पूछूंगा कैसे होंगे, ये ऐसे होंगे। तो अब मैं इस 360 को अगर ब्रेक करूं तो हो सकता है कि मैं किसी नतीजे पे पहुंच जाऊं। 360 को ब्रेक कर देता हूं, 360 को मुझे ब्रेक करना है, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 60। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया 6 और 60। मैंने ऐसे इसको ब्रेक किया बिकॉज मुझे बेसिकली चाहिए चार डिजिट्स जो एडजेसेंट हो। ठीक है, ओके। अब फर्दर देख लीजिए, अगर ये 6 और 60 है तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं 6, एक बार तो 6 आ ही गया, 5 × 12। ठीक है, ये 6 और 5, ये 4 और 3, आई थिंक मेरा आंसर हो गया। तो अब देखिए 6 × 5 × 4 × 3 इज इक्वल 360, 20 × 360, तो मैं सिंपली इसको लिख सकता हूं अब 6, 6 - 1, 6 - 2, 6 - 3, लिख सकता हूं 6, 5, 4, 3। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं मेरा n होना चाहिए 6 के इक्विवेलेंट, n इज इक्वल 6। मैं अगर वापस जाऊं अपनी प्रॉब्लम पे, इसका मतलब जो मेरा क्वेश्चन था वो था 6p4 = 360। मैं इसको वापस वेरीफाई कर सकता हूँ, 6 × 2 = 6 - 4, तो ये हो गया 6 × 5 × 4 × 3 × 2 भी हो गया, और यहाँ पे 2 भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 30 × 4 हो गए मेरे पास 120, तो 3 हो गया 116, तो बिंगो, ये हमारा मैच हो। ठीक है, तो आई होप कि आपने एग्जाम्पल अच्छे से समझ ली होगी, और ऐसे एग्जाम्पल आने के चांसेस हमारे पास है। तो मुझे लग रहा है कि इस क्लास को वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट हमें कॉम्बिनेशन पढ़ना है, और कॉम्बिनेशन के बाद हम आपसे खूब सारे ऑब्जेक्टिव्स करवाएंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, इस क्लास को अच्छे से देख लीजिए, पूरे चैप्टर की फंडामेंटल ये है, आपके पास फाउंडेशन ब्लॉक है, इसी के ऊपर हम बिल्ड करेंगे कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोई क्वेरीज हो तो आपको पता है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप हमारा है ऑलरेडी, आपको सारी चीजें पता है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कोई भी आपको क्वेरी हो। ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप वरी मत कीजिए, मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव सारे करवाएंगे। अभी आप इस कॉन्सेप्ट को देखिए, आप इसको जो मैंने पढ़ाया है उसको पढ़िए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कॉम्बिनेशन करवाऊंगा और साथ ही आपको ऑब्जेक्टिव्स दूंगा करने के लिए। मेरा अप्रोच वही रहेगा कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स करने के लिए दूंगा, उसके बाद वो आपसे सॉल्व, उसके बाद वो आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। अभी के लिए जितना हमने पढ़ा है आप उसको ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए, जब चाहे तो एक दो बार समझने की कोशिश कीजिए, कोई डिफिकल्टी हो तो हमें पूछे, हम आपको वो चीज समझाएं। ठीक है, चलिए, सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।